अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे ईद मिलादुन नबी स्पेशल ज़रदा की रेसिपी। ज़रदा की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़े पैन में 2 से 2.5 लीटर को पानी उबलने के लिए रखा है और अभी हम उसमें डालेंगे 5 इलायची, 5 लौंग, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग डाल के पानी को एक अच्छे से उबाल आने देंगे। पानी को अच्छे से उबाल आने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे सेला बासमती राइस। मैंने 1/2 किलो सेला बासमती राइस को 4 से 5 बार अच्छे से धो के 1 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। चावलों को हमें 70 से 75% तक कुक कर लेना है। अभी हम यहाँ पे चावलों को चेक कर लेंगे कि चावल हमारे पक गए हैं या नहीं। ये देखिए, चावल हमारे अच्छे से 75% तक कुक हो गए हैं। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चावल को स्ट्रेन कर लेंगे। चावल को इस तरह से निथार लेने के बाद उसको चम्मच की मदद से फैला देंगे और यहाँ पे हम उसी पैन में लेंगे 1/2 कप घी और उसमें डालेंगे 15 से 20 पतले कटे हुए नारियल के टुकड़े, 15 से 20 दो हिस्सों में कटे हुए काजू, 15 से 20 दो हिस्सों में कटे हुए बादाम और इन सब चीज़ों को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इन सब चीज़ों को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून किशमिश और उसको भी हल्का सा फूलने तक फ्राई कर लेंगे। अभी हम उसी घी में डालेंगे 1/2 किलो शक्कर। हमने 1/2 किलो चावल लिए थे तो 1/2 किलो ही हम शक्कर लेंगे। शक्कर डालने के बाद अभी हम उसमें डालेंगे 1/2 कप दूध और चीनी को पिघलने तक चलाते हुए पका लेंगे। चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। अभी हम इसमें डालेंगे निथार के रखे हुए चावल। मैंने सभी चावलों को डाल दिया है। अभी हम एक स्पैचुला लेंगे और हल्के हाथों से चावलों को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अभी हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राई करके लिए हुए ड्राई फ्रूट्स। कुछ ड्राई फ्रूट्स हम बचा के रखेंगे आखिर में गार्निश करने के लिए। अभी हम डालेंगे खवा और ढक के 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हम यहाँ पर एक तवा रखेंगे हैवी बॉटम वाला और फ्लेम को लो करके 25 से 30 मिनट तक पका लेंगे। जर्दे को दम पे रखे हुए 25 से 30 मिनट हो गए हैं और चावलों ने चाशनी को भी अच्छे से सोख कर लिया है। अभी हम फ्लेम को कर देंगे बंद और 5 मिनट तक ऐसे ही ढक के रखेंगे और 5 मिनट के बाद ये देखिए जर्दा हमारा कितना खिला खिला बना हुआ है और चावल भी एक दूसरे से नहीं चिपक रहे हैं और देखिए चाशनी भी पूरी सूख गई है। अभी हम जर्दे को डिश आउट करेंगे और गार्निश कर लेंगे। जर्दे को हमने डिश आउट कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर बचे हुए ड्राई फ्रूट्स, नारियल और टूटी फूटी और चेरी से गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा खवा भी डालेंगे। आप इस ईद मिलाद पे इस तरह से जर्दा ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।